हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले फिर से एक बार पोको X3 प्रो के बारे में, SD कार्ड के बारे में और चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चार्जिंग सेक्शन से। तो सबसे पहले हम आ जाना है हमें चार्जिंग सेक्शन पे, बैटरी का प्लस जो गया है हमारी ये वाली IC में, और चार्जिंग का कनेक्शन जो गया है ये वाले जो मेन है, जो जहाँ से चार्जिंग कनेक्शन आ रहा है हमारा, कहाँ से आ रहा है हमारा जो 5 वोल्ट जो करंट आता है VBAT का, तो ये जो सप्लाई जा रहा है यहाँ पे इसके थ्रू होते, कंपोनेंट के थ्रू होते हुए ये IC फिल्टर कर रही है उसके थ्रू होते हुए डायरेक्ट IC में। तो ये सब आपको वैल्यू चेक कर लेनी। कई बार क्या होता है गाइस, ये जो कॉइल दिख रहा है, ये कॉइल कई बार ये होता है कि ड्राई हो जाता है या फिर जगह छोड़ देता है, वहाँ से जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसकी वजह से, कॉइल डिस्कनेक्ट होने की वजह से, कनेक्शन दोनों डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारा फेक चार्जिंग शो करता है लेकिन चार्ज हो नहीं पाता है। तो आपको ये चीज़ बराबर चेक कर लेना एक बार। तो बस ये इसका चार्जिंग का सेक्शन बस इतना ही था। कुछ ये IC लगी हुई है जिसके सप्लाई CPU में गए हुए आप देख सकते हो। तो अभी ये जो ये वाला जो सेक्शन, ये वाला जो कनेक्शन जो CPU में गए, तो ये जो हमारे CPU में कनेक्शन गए हुए ये वाले IC के थ्रू होते हुए, ये USB कनेक्टिविटी के कनेक्शन है जो अपना फाइल डेटा रीड एंड राइट नहीं करते, जिससे अपना फ़ोन सॉफ्टवेयर होता है ये उस चीज़ के कनेक्शन है। तो चलिए आप आ जाते हैं हम हमारे SD कार्ड पे। तो SD कार्ड का ऐसा है गाइस, आप ज़्यादातर कनेक्शन CPU में गए हुए और SD कार्ड को एक पावर मिल रहा है, तो ये PM IC से मिल रहा है, ये वाली IC से एक पावर मिल रहा है कैपेसिटर के थ्रू होते हुए यहाँ से फिर इसमें गया। अगर आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट भी हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, कई बार हमारा कार्ड रीड नहीं करता या फ़ोन डेड हो जाता है। तो ये सब बारीक बारीक चीज़ें आपको देख लेनी है। और ज़्यादातर कनेक्शन इसके CPU में गए हुए कंपोनेंट के थ्रू होते हुए, लेकिन बीच में हर हर लाइन में कंपोनेंट दिया हुआ है इन्होंने, हर लाइन में देख लीजिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो बस इसी तरीके से हमारी वीडियो थी। अगर आपने अभी तक के हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।